आज की वीडियो में हम बचे हुए चावल का इस्तेमाल करके 5 मिनट में तैयार होने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। इसके लिए हमने 1 कप चावल जो कि मैंने पका रखे हैं, मैंने सुबह बनाए थे और बच गया था, तो दोपहर के नाश्ते के लिए तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से चावल कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 उबले हुए आलू। यदि आपके आलू बड़े साइज के हो तो आप 1 ही आलू डालें। इस आलू को उबालकर मैंने कद्दूकस कर लिया था। मैंने 1 छोटा साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा काट रखा है। 1 चम्मच जितना क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे। 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है, इसको भी मैंने बारीक काट रखा है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। यदि आपके बच्चे हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच जितना हमने चिली फ्लेक्स लिया है, इसको चिली फ्लेक्स को भी इसमें डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी ले रखी है, इसको भी इसमें डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना कड़ी पत्ता लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। चावल को हाथ से इस तरीके से मैश कर लें। आसानी से चावल मैश हो जाता है और आलू को भी इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। सबसे बड़ी बात ये है, चावल रात के बच जाते उसका यूज हो जाता है और अच्छी नई चीज बन के तैयार हो जाती है, और बच्चे बड़े सभी आराम से खा लेते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने चावल के बनाए हैं। सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी से क्या होगा कि क्रिस्पी बनेंगे। जितना हमने चावल लिए हैं उसका हमने 1/4 सूजी ली है, इसको ये सबके साथ मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसे नाश्ते में बेंडिंग भी अच्छी आएगी। अब इसकी बेंडिंग बराबर हो गई है। अगर बेंडिंग अच्छी हो गई तो नाश्ता फटेगा नहीं, बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। इस तरह इसके छोटे छोटे बॉल एक आराम से खा सके उस साइज का बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं। आसानी से बॉल बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्राई करने के बाद आप देखेंगे इसका लुक कितना अच्छा आता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। इस तरह हमने सभी बॉल से बनाकर तैयार कर ली है। ये लगभग 25 से 26 बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रही है। बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हुई है, मसाले भी कम डाले हैं, फिर भी बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए 3 चम्मच जितना मैदा लिया है, इसको लगाने से क्या होगा कि इसमें एक अच्छी लेयर आ जाएगी। बस थोड़ा सा लगाना है, इतना सा लगा करके वापस ले लेना है। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर से अच्छा है घर में मैदा सभी के यहाँ मिल जाता है और आटा भी सबके घर में मिल जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं। मैदा ना हो तो आटा भी लगा सकते हैं, उससे भी आपके अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्की सी लेयर इसके ऊपर आ रही है। जिस समय हम फ्राई करेंगे लुक भी इसका बहुत अच्छा आएगा। साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें एक एक करके डाल देंगे और इससे फ्राई कर लेंगे। आँच को हमने इस समय मीडियम रखना है। हमेशा आँच मीडियम टू लो के बीच में रखना चाहिए। ज़्यादा तेज में फ्राई करते हैं तो पक तो जाते हैं पर कभी कभी अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वैसे तो इस बॉल में कच्चा रहने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो सब पकी हुई चीज़ें हैं। जैसे चावल भी पका हुआ है, आलू भी पके हुए हैं, कोई भी चांस नहीं रहा है। फिर भी मेरी सलाह रहेगी, इसे लो टू मीडियम के बीच में फ्राई करें। इसके बाहर से जो क्रिस्पी लेयर आएगी उसी के कारण से इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर हल्का सा क्रिस्पी लेयर आ गया है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। इस तरीके का गोल्डन कलर आ जाता है। उसके बाद इसमें निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से हल्की सी मैदे की लेयर आ गई है, जिस कारण से ये तेल में जाने के बाद फटते भी नहीं हैं। इसमें ना चीज़ें जो अंदर से डाली है वो बिखरती भी नहीं है, ये संभाल लेती है, एकदम साफ रहती है।
और इस तरीके का नाश्ता गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी लगता है। ठंडे होने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अगली बार जब भी आपके घर में चावल बच जाते हैं उस समय आप ये नाश्ता बनाकर चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ नहीं हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप ये अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।